तो आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं मैं। आज इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स का 6.3 चैप्टर। ठीक है, इसका कुछ क्वेश्चन को हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था, कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उसे इस वीडियो के द्वारा हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व किया था और उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मतलब एंगल्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में हमने पढ़ा था। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी टोटल एंगल्स ट्रायंगल के मिलके 180 के बराबर होते हैं, उसी प्रॉपर्टी का यहाँ यूज करके हमें इसको बनाना भी है। और दूसरा होता है कि किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो दो सामने वाले इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। ये दो थ्योरम हमने पढ़ा था इस चैप्टर के पहले और उसी दो थ्योरम पे इसमें सारे क्वेश्चन को बनाना था। तो 1, 2 और 3 हमने पिछले वीडियो में आपको सॉल्व करके बताया था कैसे बनेगा। आज ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये फिगर 6.42 जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर है। इसमें कुछ एंगल्स दिए हुए हैं और कुछ एंगल मिसिंग है जिसको हमें निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन है इन फिगर 6.42 इफ लाइन PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट टी पॉइंट। PQ और RS दो लाइन है और T पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो पहले चैप्टर में हमने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि दो लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके द्वारा जो एंगल बनता है उसको हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। तो उसका भी यहाँ पे हमें यूज करना होगा क्योंकि ये T इधर वाला T और इधर वाला T दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, उसका यूटिलाइज करना है यहाँ पे उस थ्योरम का। ठीक है, क्वेश्चन है कि PQ और RS किसी बिंदु T पे इंटरसेक्ट करते हैं सच दैट PRT 40 डिग्री, ये एंगल 40 है, और TPR जो है 95 है और TSQ 75 दिया हुआ है। तो हमें SQT की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, SQT क्या होगा वो निकालना है। तो सबसे पहले हम इन ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में PRT वी नो दैट फर्स्ट थ्योरम सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180। ये थ्योरम है हमारा कि ट्रायंगल के सारे एंगल मिलके 180 होते हैं। तो इस ट्रायंगल में एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल T जो मिलके होगा वो कितना होगा, 180 होगा। और इसमें P और R दिया हुआ है 95 एंड 40। T हमें मालूम नहीं है, उसी को हमें फाइंड आउट करना है। 90 और 40 को ऐड करेंगे तो 135 हो जाएगा। अब एंगल T को यहीं छोड़ देंगे और 180 में से ये 135 जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी एंगल T जो हुआ 45 डिग्री हो गया, यानी इधर का एंगल ये 45 हो गया। ठीक है, इसका तीसरा एंगल जो मिसिंग था उसको हमने उस थ्योरम पे निकाला जो थ्योरम हमें बताता है कि ट्रायंगल के सारे एंगल मिलके 180 के बराबर होते हैं। दो एंगल दिया हुआ था, तीसरा हमने निकाल दिया। अब हमें ये वाला एंगल पहले प्राप्त करना है, STQ लिखेंगे। नाउ एंगल STQ इक्वल टू हो जाएगा PTR और ये होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं तो उससे हमें STQ का वैल्यू जो होगा वो 45 आ जाएगा क्योंकि PTR जो है वो 45 है तो STQ भी 45 होगा। ये होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हमें इस ट्रायंगल में भी STQ में भी दो एंगल मालूम हो गया, एक है 75 दूसरा है 45। हमें SQT निकालना है, उसके लिए क्या करेंगे थर्ड स्टेप में। पहला स्टेप हमारा ये है, यहाँ से T एंगल निकालेंगे। सेकेंड स्टेप में STQ और PTR वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वहाँ से STQ की वैल्यू निकालेंगे। थर्ड स्टेप में
इन ट्रायंगल एसटीक्यू, इन ट्रायंगल एसटीक्यू वी नो दैट वही थ्योरम है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180, तो एंगल एस प्लस एंगल टी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180। एस कितना है? 75 है। टी एंगल 45 हमने निकाला है यहाँ पे एस टी क्यू, तो एंगल क्यू क्या होगा? 75 और 45 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 120 प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180, तो एंगल क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 120 यानी 60 डिग्री। एंगल क्यू ही, क्यू का ही दूसरा नाम है एस क्यू टी, वो हो गया 60 डिग्री। यही हमें निकालना था, ठीक है। इस क्वेश्चन में करना क्या था, ट्रायंगल के दो एंगल्स दिए हुए हैं, तीसरे एंगल को पहले इस ट्रायंगल में हम लोगों ने निकाल लिया, ये दो एंगल दिया हुआ है, तो सम ऑफ ऑल ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 होता है, वहां से हम इसको 45 निकाल लिया। इस 45 के बराबर इधर वाला भी एंगल 45 होगा, क्योंकि दो लाइन जब एक दूसरे को कट करते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो इस एंगल के बराबर इधर वाला भी एंगल टी हो गया। तो इस ट्रायंगल में भी हमें अब दो एंगल प्राप्त हो गए, एक तो पहले से दिया हुआ था, दूसरा हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल के आधार पे इसको भी निकाल लिया। जब दो मालूम हो गया तो तीसरा फिर उसी प्रॉपर्टी से कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 इन ट्रायंगल एसटीक्यू वी नो दैट एंगल एस एंगल टी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180, ये तीनों एंगल मिलके 180 होंगे, दो एंगल दिया हुआ है तो तीसरा क्या होगा, 60 आ गया। यही क्यू जो है, क्यू का ही दूसरा नाम एस क्यू टी भी बोल सकते हैं, एंगल क्यू बोले या एंगल एस क्यू टी बोले उसमें कोई फर्क नहीं है, एंगल क्यू ही एस क्यू टी है और एस क्यू टी की वैल्यू हमारा आ गया 60 डिग्री, यही निकालना था, ठीक है। ये था 4 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इजी था, आपको बस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी जो होता है कि सम ऑफ ऑल एंगल 180 और एक दूसरा प्रॉपर्टी यूज करना था कि दो लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होता है। 5 नंबर क्वेश्चन, ये दोनों पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है। ये एंगल दिया हुआ है 65, ये एंगल दिया हुआ है 28, ये दिया हुआ है 90, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है तीन चीज, ये एंगल 90 डिग्री है, ये 28 है, ये 65 है, और ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। तो क्या क्या दिया है पहले हम लिख लेंगे, गिवन दैट पी क्यू पैरेलल एस टी, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब ये जो एंगल होगा क्यू एस टी, क्यू आर टी, ये जो एंगल है वो एक्सटेरियर एंगल है, किस ट्रायंगल का, तो क्यू एस आर का, क्यू एस आर का क्यू आर टी एक्सटेरियर एंगल है, और एक्सटेरियर एंगल जो होता है वो दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, तो वहां से इस एंगल को पहले हम लोग निकालेंगे, ठीक है। लेकिन ये वी नो दैट एंगल क्यू आर टी इक्वल टू एंगल आर क्यू एस प्लस क्यू एस आर, क्यू आर टी दिया हुआ है हमें 65, आर क्यू एस 28 दिया हुआ है, तो क्यू एस आर क्या होगा वो पहले निकालेंगे। एंगल क्यू एस आर, ये 28 65 में जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी 37, ये हो गया
37 डिग्री, ठीक है। 37 और 28 ऐड कीजिएगा 65 हो जाएगा, क्योंकि दो इंटीरियर एंगल मिलके एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होते हैं, तो वहाँ से हमें ये एंगल प्राप्त हो गया। अब लिखेंगे इफ ट्रायंगल लाइन पी क्यू पैरेलल एसटी देन एंगल क्यू एस आर इज इक्वल टू एंगल एस क्यू पी। ये एंगल और ये एंगल दोनों पैरेलल लाइन के, ये कट कर रहा है तीसरा ट्रांसवर्सल, तो दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, तो यहाँ से ये भी हो जाएगा 37। और कैसे हुआ, ये हुए करस्पॉन्डिंग एंगल, जब कोई दो पैरेलल लाइन को तीसरा लाइन ऐसे कट करेगा तो ये जो एंगल होते हैं आपस में करस्पॉन्डिंग होते हैं। अगर पी क्यू और एस टी को देखा जाए, ये लाइन उसी तरह से कट कर रहा है, तो एंगल ये और ये एंगल जो जेड शेप में बन रहे हैं वो आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। वहाँ से एस क्यू पी हमारा आ गया 37, यानी एक्स का वैल्यू हम निकाल लिए, ठीक है। एक्स जो था वो एस क्यू पी था और वो आ गया 37 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में वाई का वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि एक्स मालूम है और एंगल पी 90 डिग्री मालूम है, तो वाई का वैल्यू क्या होगा वो निकाल लेंगे। इन ट्रायंगल पी एस क्यू वी नो दैट एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180। एंगल पी 90 दिया हुआ है, एंगल क्यू हम निकाल चुके हैं एक्स का वैल्यू 37 और एंगल एस वाई है, इसी का वैल्यू हमें निकालना है। 90 और 37 को ऐड कीजिए 127 प्लस वाई इजकल टू 180, तो वाई इजकल टू 180 माइनस 127। 180 में से 127 घटा दीजिए, यह आ जाएगा 53। तो यही दो चीज़ निकालना था, एक्स का वैल्यू 37 और y का वैल्यू 53, ये आपका आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में क्या था, एक्सटेरियर एंगल दिया हुआ था, वहाँ से दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, तो ये एंगल हमने निकाल लिया। ये एंगल इसके बराबर होता है क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि लाइन पी क्यू और एस टी पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है। ये एंगल x आ गया और हमें ये मालूम है 90, तो तीसरा एंगल प्रॉपर्टी ऑफ एंगल जो होता है ट्रायंगल का, सम प्रॉपर्टी ऑफ एंगल जो होता है 180 के बराबर, वहाँ से तीनों एंगल मिलके 180 हो गए। दो एंगल हमें मालूम था, तो तीसरा एंगल दोनों को ऐड करके उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। ये था 5 नंबर क्वेश्चन। सिक्स नंबर क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है, और वो क्या प्रूव करना है कि एंगल क्यू टी आर जो है वो 1/2 एंगल क्यू पी आर के बराबर है, ठीक है। और फिगर बना लीजिए, यह है पी क्यू आर एस टी, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, और ये एंगल और ये एंगल बराबर है, यानी आपस में इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे एक ही थ्योरम हमें यूज करना है, वो है कि एक्सटेरियर एंगल जो होता है वो दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एंगल क्यू टी आर इजकल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर, ठीक है। We know that exterior angle
इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले इस ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है पी क्यू आर का एक्सटीरियर एंगल क्या है, पी आर एस। तो सबसे पहले उसका नहीं निकालेंगे हम, क्यू टी आर इन ट्रायंगल क्यू टी आर। ठीक है, टी आर एस एंगल टी आर एस इज इक्वल टू आर टी क्यू प्लस टी क्यू आर। ठीक है, ये एंगल जो होगा और ये एंगल दोनों मिलके इस बाहर वाले एंगल के बराबर होंगे। ठीक है, तो टी आर एस इक्वल टू आर टी क्यू प्लस टी क्यू आर। अब टी क्यू आर क्यू टी आर तो हम लोग जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो पहले ट्रायंगल में हमने क्यू टी आर में उसको लिख लिया कि टी आर एस जो है उसका एक्सटीरियर एंगल है और वो क्यू टी आर प्लस टी क्यू आर के बराबर होगा। तो हमें क्यू टी आर यहाँ लाना है, इसलिए क्यू टी आर को इधर छोड़ देंगे और टी आर एस में से टी क्यू आर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी क्यू टी आर का वैल्यू जो होगा एक्सटीरियर एंगल माइनस वन इंटीरियर एंगल, इसको इक्वेशन वन मान लेंगे। ये पहले ट्रायंगल इसके लिए हो गया। अब दूसरे ट्रायंगल पी क्यू आर में चलते हैं, पी क्यू आर का भी एक्सटीरियर एंगल क्या है, पी आर एस। ठीक है, तो पी आर एस जो होगा वो दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा और वो दोनों क्या है, क्यू पी आर प्लस पी क्यू आर। ठीक है, क्यू पी आर और पी क्यू आर, पी क्यू आर जो होगा ये और ये एंगल जब बराबर है तो हम लोग पी क्यू आर के जगह पे लिख सकते हैं कि टू एंगल टी क्यू आर, टू टी क्यू आर। ये और ये दोनों मिलके पी क्यू आर है और ये जब बराबर है तो ये अकेला दुगुना कर देंगे तो इस पी क्यू आर के बराबर हो जाएगा, यानी पी क्यू आर जो है वो टू इंटू एंगल टी क्यू आर के बराबर है, क्योंकि टी क्यू आर और पी क्यू टी ये दोनों आपस में एंगल इक्वल है। तो ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, ये पूरा एंगल इसका डबल हो जाएगा। तो इसके जगह पे हम लोग टू टी क्यू आर लिख लेंगे। पी आर एस, पी आर एस जो है वो टी आर एस का डबल है, क्योंकि ये एंगल पी आर एस को बाइसेक्ट कर रहा है, तो जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा। तो पी आर एस को हम लोग टू टी आर एस लिख देंगे, यानी पी आर एस इजकल टू टू टी आर एस और पी क्यू आर इजकल टू टू टी क्यू आर, क्योंकि ये डबल है। अब क्यू पी आर को यही छोड़ दीजिए, टू टी आर एस में से ले जाकर टू टी क्यू आर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, पी क्यू आर क्यू पी आर यही रह गया, ये टू दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे तो टी आर एस माइनस टी क्यू आर हो जाएगा। अब ये टू इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी वन बाई टू एंगल क्यू पी आर इजकल टू टी आर एस माइनस टी क्यू आर। अब देखिए एंगल इक्वेशन वन में टी आर एस माइनस टी क्यू आर को हमने क्यू टी आर लिखा है, तो ये पूरे सेक्टर को हटा देंगे और इसके जगह पे क्यू टी आर लिख देंगे, क्योंकि इक्वेशन वन में हमने प्रूव कर लिया है कि टी आर एस माइनस टी क्यू आर इज इक्वल टू होता है क्यू टी आर। तो इस दोनों सेक्टर को हटा के, दोनों टर्म को हटा के एक टर्म जो इक्वेशन वन में हमने प्रूव किया है, वन बाई टू क्यू पी आर इज इक्वल टू क्यू टी आर, यही हमें प्रूव करना था कि क्यू टी आर जो है वो हाफ क्यू पी आर है। यहाँ से प्रूव हो गया कि क्यू टी आर जो है वो 1/2 क्यू पी आर के इक्वल है। तो इस तरह से 6.3 आपका कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर में हम लोगों ने एक्सटीरियर एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा और ट्रायंगल के तीनों एंगल जो मिलके 180 होते हैं उसी पे बेस्ट क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये लाइंस एंड एंगल्स जो चैप्टर हुआ 6.3, यानी 6 पूरा चैप्टर 6.3 में खत्म हो रहा है। इसके बाद इसका कोई चैप्टर नहीं है, ये लास्ट चैप्टर था लाइंस एंड एंगल्स का जो हमने आज इस वीडियो के द्वारा कंप्लीट कराया। 3 क्वेश्चन इसमें हमने सॉल्व कराया है, तीनों ही बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी तीनों का तीनों क्वेश्चन जो है वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और उसमें भी सबसे लास्ट वाला जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करके बनाएंगे, क्योंकि ये VVI क्वेश्चन है, ये आपके आने वाले एग्जाम में भी आ सकता है। सो केयरफुल रहें, इसको ध्यान से पढ़ें और ध्यान से समझें, नहीं आता है समझ में फिर से आप पूछ लेंगे एक बार हमसे ज़रूर। ठीक है, धन्यवाद।